हमीरपुर जिला के नदौन करिंडी मैदान में कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुशील कुमार शिंदे ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रभारी रंजीता रंजन भी मौजूद रहीं। सम्मेलन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, मंडी समिति चेयरमैन प्रेम कौशल, अनिता वर्मा, राजदीमान के अलावा काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रभारी सुशील सुंदे ने टिकटों के आवंटन पर साफ तौर पर कहा, जिला से टिकटों के नाम जाते हैं और बाद में केंद्रीय कमेटी हाईकमान टिकटों का फाइनल करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में टिकटों के लिए हुई गलतियों को सुधारने के लिए भी काम होगा। शिंदे ने कहा कि हिमाचल में चुनावों के दौरान कांग्रेस हाईकमान के आला नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। से लेके किसान हो, हमारा युवक हो, हमारा जो छोटा व्यापारी है, उनके साथ हमेशा रहे हैं। सब जाति धर्म की बात, हम सर्वधर्म की बात करते हैं और वही हमारे मेन इश्यू है कि जो सत्ता पे बैठी हुई सरकार वो केवल एक धर्म की बात करती है, हम लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। किसी को पहले टिकट मिलता है नहीं है, किसी को बाद में भी नहीं मिलता। जो हमारी इलेक्शन कमेटी है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, वो उसका एक प्रोसेस है। डिस्ट्रिक्ट से पहला सिलेक्शन होता है, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो हमारा मंडल है, इलेक्शन कमेटी है, वो रिकमेंड करती है और फाइनली सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो फाइनल निर्णय करती है। मैं ये कह रहा हूँ, जो पार्टी ने पीछे गलती नहीं की है, पार्टी अब दोबारा वो बोलने का तो दिया थे। नहीं देखिए, मैंने बोल दे दिया है कि हमारी जो कुछ भी पहले ही गलती हो गई है उसके करेक्ट करके निकलते हैं। यहाँ मोदी नहीं, नहीं मोदी जरूर आ जाएंगे, वो तो देश के प्रधानमंत्री है, वो दूसरे कुछ काम के लिए आ गए हैं। जब इलेक्शन शुरू हो जाएगा तभी हम राहुल जी, सोनिया गांधी जी जरूर आएंगे। उनका इतना प्यार है हिमाचल पर, आप लोगों ने मैंने अभी बताया कि हिमाचल हमेशा कांग्रेस का घर रहा है और ये बीच में चलिए सर। थैंक यू, धन्यवाद। पूर्व सीएम धूमल के छोटे बेटे अरुण धूमल के मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों पर प्रभारी शिंदे ने कहा कि बीजेपी का काम है आरोप लगाने का। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता फिजूल के बयानों को देने में माहिर हैं। देखिए, ये बीजेपी का तो ये काम है, वो आरोप करते रहते हैं। जब वो फाइनल होता है, कोर्ट में निकाल लगता है तो जीरो होता है। ये आज की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत बार ये बीजेपी जब सत्ता पे आई उस वक्त यही हो गया है। शिंदे ने कहा कि नेताओं का एक दूसरे की पार्टी के नेताओं से मिलना बुरी बात नहीं है और इसका ये मतलब नहीं होता कि वो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। ये केवल अफवाहें हैं और इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई नहीं जाने वाला है। ये देखिए, कांग्रेस के नेता हो या कोई मंत्री हो, एक दूसरे को मिलना कोई बुरा नहीं। उसमें मेरे भी दोस्त है, सब बीजेपी के दोस्त है, समाजवादी पार्टी के है, उससे मिलना जुलना हो तो ठीक, डेमोक्रेसी है। लेकिन वो उसका मतलब नहीं है कि वो जा रहे हैं। ये वो ठीक है, आखिर को जो निर्णय वो लेते हैं वो राहुल जी और सोनिया गांधी लेते हैं। मैंने तो बोला बहुत स्पष्ट रूप से, जब वो इलेक्शन में आ जाएंगे वो ऐलान करेंगे कौन नेता होगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी के नेता अफवाहें फैलाने में माहिर हैं और पहले अमित शाह के कार्यक्रम में भी कांग्रेस के नेताओं के पार्टी छोड़ आने की अटकल लगाई गई थी और अब पीएम मोदी के दौरे में भी इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो कि पूरी तरह से गलत हैं। अफवाहें फैलाकर बीजेपी की सरकार वापस नहीं आने वाली है। नेता जा रहे हैं, ये र्यूमर्स हुआ है। 2 तारीख को अमित शाह थे, अमित शाह आए 22 तारीख को, 3 को मोदी जी आ रहे। कांग्रेस पार्टी से कोई नहीं जा रहा और र्यूमर फैलाकर और सीटें बोलने के बाद कर इनकी सरकार द्वारा नहीं आने वाली। ये इनका झूठ साबित हुआ कि मंत्री आ रहे हैं, अगला झूठ ये साबित होगी कांग्रेस की यहाँ सरकार बनेगी।